हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्टूडेंट आपको बोर्ड परीक्षा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय है और इतने कम समय में आपको सारे विषय की तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, ताकि आप 2019 की बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ इंसान का बनाया हुआ है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब आप तैयारी में जुट जाइए, और पहले आपने इससे क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या नोट्स बनाया, क्या नहीं बनाया, ये सबको अब आप छोड़िए। अब आप जुट जाइए बोर्ड परीक्षा 2019 की तैयारी में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप अपना एक निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए, सायंकाल, रात्रिकाल और प्रातःकाल के लिए, कि हमको कौन सा विषय कब पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं अब दिन प्रतिदिन सख्त ही होंगी। जैसा कि आपने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के वक्तव्यों के द्वारा देखा और सुना होगा कि बहुत ही सख्त होगी बोर्ड परीक्षाएं 2019। इसमें हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए जाएंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्टूडेंट, निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षा बहुत ही सख्त होने वाली है। साथ ही बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। जो 1.5 महीने तक बोर्ड की परीक्षा चलती थी, उसको बहुत कम समय, मात्र 20 दिन में ही समाप्त किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि बहुत सारे जो सचल दल हैं, कम समय में ही उनको दौड़ लगाना है, तो सारे सेंटर्स पर अब बराबर ही पहुंचते रहेंगे। और दूसरी एक प्रमुख बात है कि यूपी बोर्ड ने सिलेबस भी चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे परीक्षाएं होंगी, सभी विषय की एक प्रश्न पत्र की मात्र परीक्षा होगी। तो अभी तक क्या होता था, दो प्रश्न पत्र रहते थे, उसमें कोई थोड़ा कम अच्छा हुआ तो दूसरा अवश्य ही आप उसको सुधार लेते थे, किंतु अब केवल एक विषय की एक परीक्षा होगी, एक पेपर होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको एक ही पेपर रहने से भी सारा फोकस केवल एक पेपर पे ही करना होगा। तो इसलिए भी परीक्षा को अब आपको ज़्यादा केयर करना होगा सभी विषय और सभी पेपर्स को, कि आप ठीक ढंग से पेपर को कर पाएँ और अच्छा नंबर भी ला सकें। तो परीक्षा में जब आप लिखते हैं तो राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। एग्जामिनर्स महोदय जब कॉपियाँ जांचते हैं तो काफ़ी खोलते ही अगर राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट वो आपकी कॉपी से आकर्षित हो जाते हैं, और अवश्य ही उस पर कुछ नंबर का प्रभाव पड़ता है, कुछ न कुछ नंबर अवश्य ही बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आप क्रम से सारे प्रश्नों को हल करते हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, एग्जामिनर्स को जाँचने और नंबर को चढ़ाने में भी सुविधा और सरलता होती है। इससे भी उनका ब्रेन, मस्तिष्क आपकी कॉपी पे बहुत ही अच्छी ढंग से कार्य करता है, और इससे भी लाभ मिलता है कि आपको अच्छे अंक मिलते हैं। अगर किसी कारण से आपको क्रम से सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो जो प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखें, अच्छी तरह से उसका हेडिंग दें, गाढ़े और मोटे स्केच पेन से हेडिंग दें, उसको अंडरलाइन करें, और बीच बीच में जो कुछ भी आप लिखते जा रहे हैं, जहाँ भी कोई वैज्ञानिक के नाम आते हैं, कोई फार्मूला आता है या कोई विशिष्ट टर्म कंडीशंस आते हैं, तो उनको भी आप हाईलाइटर के द्वारा हाईलाइट कर दें, या उसको अंडरलाइन कर दें, या उसको दूसरे काले पेन से लिख रहे हैं तो उतना भाग आप उसको नीले पेन से भी कर सकते हैं। इन सबसे क्या होता है, आपकी कॉपी का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और कॉपी का जितना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है,
उतने मार्क्स आपको ज़्यादा खींचकर मिलते हैं। तो ये सारी बातें हैं स्टूडेंट, अब आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई करें, राइटिंग को भी सुधारें, ठीक ढंग से लिखने का तरीका भी देख लें, और साथ ही साथ प्रश्नों के आंसर कितने वर्ड में देने हैं। जैसे अगर कोई लघु उत्तरीय प्रश्न है और दोनों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और अगर वो दो नंबर का है, एक नंबर का है, तो एक वर्ड से लेकर के एक लाइन दो लाइन तक उसका आंसर लिखेंगे। अगर कोई लघु उत्तरीय प्रश्न दो नंबर का है तो उसका हम 20 से 25 वर्ड में आंसर देते हैं, किंतु अगर लघु उत्तरीय प्रश्न 30 वर्ड में 40 वर्ड में लिखना है तो वो तीन नंबर का होता है। और इसी तरह जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, उनको आपको 100 वर्ड में आंसर देना होता है। तो किस प्रश्न के उत्तर में हमको क्या लिखना है, कितना लिखना है, इन सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरे चैनल के द्वारा आपको यह जानकारी दी जा रही है, साथ ही मैं आपसे यह भी चाहता हूँ कि आप किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आप किस चैप्टर, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो, किस तरह का वीडियो लाइक करते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो स्टूडेंट, यह मेरा सजेशन है आपको 2019 की बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।